नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों पर। जयपुर कंट्रोल रूम में आए एक मैसेज ने तीन राज्यों में हड़कंप मचा दिया। मैसेज में लिखा था, आने वाले 7 दिनों में जयपुर दिल्ली यूपी में बड़े धमाके होंगे। मैसेज में ये भी बताया गया कि धमाके कहां होंगे। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली और यूपी पुलिस को अलर्ट किया और जांच में जुट गई है। जयपुर पुलिस ने नंबर ट्रैक किया तो ये नंबर एक युवती का निकला। युवती ने इस तरह के मैसेज करने से इनकार कर दिया। जब जांच की गई तो पता चला कि युवती के मोबाइल से किसी और ने मैसेज किया है और जांच में ये भी सामने आया कि वो मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि युवती का ही दोस्त है। इसके बाद जयपुर पुलिस ने ATS SOG दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को घटना की जानकारी दी। गुरुवार दोपहर 11 बजे जयपुर कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया था। इसमें लिखा था, मुझे कुछ बदमाशों ने बंधक बना रखा है। इन बदमाशों के पास RDX और हथियार है। ये लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आने वाले 7 दिनों में ये देश में 4 जगह पर धमाके करने वाले हैं। इनमें जयपुर, दिल्ली और 2 धमाके यूपी में। इसके बाद कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने प्रभारी एडिशनल DCP को जानकारी दी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई को जानकारी दी गई। मैसेज की बारीकी से जांच की गई। जिस नंबर से ये मैसेज आया था वो भरतपुर का निकला। भरतपुर SP से जानकारी शेयर की गई। सभी जिलों की पुलिस अलर्ट है। तेल गैस कंपनियों ने आज कमर्शियल गैस की कीमतों में रिव्यू करते हुए बदलाव किया है। कंपनियों ने आज कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 39 रुपए की कमी की है। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमतों में अब भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया, आज कंपनियों ने 19 किलोग्राम का कमर्शियल उपयोग के सिलेंडरों की कीमतों का रिव्यू करने के बाद उसमें 39 रुपए की कमी की है। इस बदलाव के बाद आज से जयपुर में 19 किलोग्राम का कमर्शियल उपयोग का सिलेंडर 1819 रुपए के स्थान पर 1780 रुपए में मिलेगा। उन्होंने बताया, इससे पहले कंपनियों ने 1 दिसंबर को गैस सिलेंडरों की कीमतों का रिव्यू करते हुए उसमें 20.50 रुपए का इजाफा किया था। उन्होंने ये भी बताया कि इस रिव्यू में घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू उपयोग का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर बाजार में आज भी 906.50 रुपए में ही मिल रहा है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लगने वाले अभ्यर्थियों की अब शामत आने वाली है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट होने वाले 58 अभ्यर्थियों के फर्जी खेल सर्टिफिकेट मिलने पर उन्हें डिबार करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए फर्जी सर्टिफिकेट मिलने वाले अभ्यर्थियों को 10 दिन में स्पष्टीकरण देने का वक्त दिया गया है। इसके बाद बोर्ड द्वारा फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 48,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इनमें से लेवल 1 में 32, लेवल 2 में 26 अभ्यर्थियों ने फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने की कोशिश की थी, जिन्हें बोर्ड ने क्रॉस वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ लिया। इसके बाद बोर्ड द्वारा अब इन 58 अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैन करने के साथ ही इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की तैयारी भी शुरू कर दी है। संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित किए गए लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के मामले पर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। अब तक विपक्ष के 146 सांसदों का निलंबन किया जा चुका है। सभी सांसद संसद में सुरक्षा मामले को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि संसद में सुरक्षा मामले में हुई चूक पर गृह मंत्री से वक्तव्य की मांग करने वाले सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है। इस अलोकतांत्रिक निर्णय के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसी संदर्भ में आज राजस्थान में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की सभी जिला कमेटियों के संदर्भ में निर्देशित किया है। सर्दी के तीखे तेवरों के चलते प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शुक्रवार को सीकर के फतेहपुर में पारा 1.5 डिग्री के नीचे पहुंच गया। फतेहपुर के बाद चूरू प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। माउंट आबू में भी पहले ही पारा जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश के कई अन्य इलाकों में भी पारा तेजी से लुढ़क रहा है। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी राजस्थान के
जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।